The question given is if 3 sin x plus 12 sin y plus 4 cos x plus 5 cos y is equal to 18, then we have to find the value of tan of x plus y. तो हमें गिवन है 3 sin x plus 12 sin y plus 4 cos x plus 5 cos y equals to 18. अगर हम x और y के टर्म्स को एक साइड लिखें तो हमें क्या मिलेगा, 3 sin x plus 4 cos x plus 12 sin y plus 5 cos y equals to 18. अब हमें पता है कि अगर कोई एंगल है, सपोजिंगली ये थीटा एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एच स्क्वायर. तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 3 बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू कॉस एक्स. अब अगर हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस यहाँ पर आएगा 12 अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू साइन वाई प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू कॉस वाई इक्वल्स टू 18. यहाँ पे भी हमने डिवाइड किया तो हमें इधर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 3 बाई अंडर रूट 25 साइन एक्स प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 25 कॉस एक्स प्लस अंडर रूट 169 इंटू 12 ऑफ अंडर रूट 169 साइन वाई प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 169 कॉस वाई इक्वल्स टू 18. तो इसको हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ 4 बाई 5 कॉस एक्स प्लस 3 बाई 5 साइन एक्स प्लस 13 इंटू 5 बाई 13 कॉस वाई प्लस 12 बाई 13 साइन वाई. अब हम एक अजम्पशन लेते हैं कि 4 बाई 5 इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड 3 बाई 5 इज इक्वल टू साइन अल्फा. तो अगर ये हमें पता है टैन अल्फा कितना होता है, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा दैट इज 3 बाई 4. तो ये हो गई हमारी टैन अल्फा की वैल्यू. अब यहाँ पर हम 5 बाई 13 को लेते हैं कॉस बीटा एंड 12 बाई 13 को लेते हैं साइन बीटा. तो हमें क्या मिलेगा, टैन बीटा इक्वल्स टू कॉस बी सॉरी साइन बीटा बाई कॉस बीटा दैट इज 12 बाई 5. तो ये हो गया हमारा टैन बीटा का वैल्यू. अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स साइन अल्फा प्लस 13 टाइम्स ऑफ कॉस वाई कॉस बीटा प्लस साइन वाई साइन बीटा इक्वल्स टू 18. यहाँ पे भी इक्वल्स टू 18 होगा. अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. तो अगर ये फॉर्मूला इधर यूज़ करें तो हमें क्या मिलेगा, 5 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा प्लस 13 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ वाई माइनस बीटा इक्वल्स टू 18. हम इसको लिख सकते हैं कि 5 ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा प्लस 13 ऑफ कॉस ऑफ वाई माइनस बीटा इक्वल्स टू 5 प्लस 13. 18 को हमने बाइफोकेट कर दिया, सारी टर्म्स एक साइड लें तो हमें मिलेगा 5 ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा माइनस 5 प्लस 13 ऑफ कॉस ऑफ वाई माइनस बीटा माइनस 13 इक्वल्स टू 0. अगर 5 और 13 को हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा माइनस 1 प्लस 13 इंटू कॉस ऑफ वाई माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अगर हम दोनों टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा
प्लस 13 ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स हमें एक फॉर्मूला और पता है कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये फॉर्मूला द यूज़ करें तो हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 13 इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर ऑफ वाई माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 10 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 26 साइन स्क्वायर ऑफ वाई माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों दो पॉजिटिव नंबर हैं क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव नंबर इक्वल टू 0 तभी हो सकते हैं व्हेन दे इंडिविजुअली आर इक्वल टू 0। दैट मीन्स 10 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, और 10 तो इक्वल टू 0 हो नहीं सकता। दैट मीन्स साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, तो इसके इससे हमें मिलेगा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। ये कौन सी केस में पॉसिबल है, व्हेन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, तो इसके हमें मिलेगा एक्स इक्वल टू अल्फा। सिमिलरली हमें एक और वैल्यू मिलेगी वाई इक्वल टू बीटा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आया कि टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा इक्वल्स टू 3/4 एंड टेन वाई इक्वल्स टू टेन बीटा इक्वल्स टू 12/5। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है टेन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस प्लस टेन वाई होल अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 12/5 होल अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 12/5 दैट इज 15 प्लस 48/20 अपॉन 20 माइनस 36/20, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया तो हमें मिलेगा 63 माइनस 16। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ऑप्शंस चेक करें तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।